Standard 8 Maths. My dear students, in this video we are going to start the practice at 1.3, in which we are going to study how to convert rational numbers into decimal form. We have already done some examples, so here we are going to start the practice at 1.3. Write the following rational numbers in decimal form. 9/37. क्या करना होगा हमें? 9 को 37 से डिवाइड करना है. न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वो याद रखना है. न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. 37 का टेबल यहाँ पर चाहिए. 37 का टेबल बनाने के लिए और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है. देख के आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये मेथड बहुत आसान है. 37 का मतलब क्या होता है? 30 और 7. 30 + 7 होता है 37. तो 37 का टेबल के लिए 30 का टेबल लिखो और 7 का टेबल लिखो, दोनों को ऐड करना बहुत आसान है. ऐड करेंगे तो ये 37 का टेबल बन जाता है. यहाँ पर मैंने 30 का टेबल बनाया, यहाँ पर 7 का टेबल और यहाँ पर 37 का टेबल, ये मिला. 30 का टेबल बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि 3 का टेबल लिख दो और लास्ट में 0 डाल दो. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 8 4, 3 9 27. 9 जर तक ही हमें करना है डिवीशन के लिए, उसके आगे नहीं करना है. और उसके बाद अभी 7 का टेबल. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63. अभी इसको दोनों को ऐड करना है. 30 और 7 ऐड किया 37, 60, 70 और 4, 74, 9, 90, 100, 110, 111, 120 और 28, 120, 130, 140 और 8, 148, 150, 160, 170, 180, मैंने 10 plus करी. 35 में 3 बार 10 आता है, तो 3 बार 10 को आगे बढ़ाया. 150, एक 10 बनाया, 160 और एक 10, 170 और एक 10, 180 और ये 5, 185. बहुत आसान है ये सम करना. और अभी 180 और 42 को ऐड करना है. 180 के बाद इधर 42 में 4 बार 10 है और उसके बाद 2 है, तो 4 10 आगे ऐड कर लेते हैं. 180, 190, 200, 210, 220 और उसके बाद ये 2, 222. 210 के साथ 49 ऐड करना है, तो पहला 4 10s ऐड कर लो. 210, 220, 230, 240, 250. 4 10s ऐड हो गया और उसके बाद ये 9, 259. 240 के साथ 56 ऐड, मतलब 240 के साथ पहले 5 10 ऐड करो 50 के लिए, उसके बाद 6. 240, 250, 260, 270, 280, 290 और ये 6, 296. तो इस तरह दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? 37 का टेबल बना सकते हैं. 37 का टेबल बनाने के बाद हम सम स्टार्ट करते हैं डिवीजन. पहले ये 37 बहुत ही बड़ा है 9 के मुकाबले, 9 बहुत छोटा है, तो ये एक बार भी नहीं आएगा, 1 जार भी नहीं आएगा. 1 जार 37 है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 है, तो क्या करेंगे? 37 जीरो जार 0 डाल दिया, माइनस करने पे 9 डाउन आया. अभी नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट डालकर इधर 0, हमारे पास अभी आया 90. 90 यहाँ पर कितना बार? 1, 2, 3 टाइम्स तो 90 से बाहर जाता है, तो 74 है. 1 जार 2 जार 2 जार 74. ओके, माइनस करने में आपको यहाँ पे 6 और ये 1, 16 मिलेगा. माइनस करने आपको आता है तो मैं इसके लिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ. 16 मिला, चलो एक बार माइनस भी बता देती हूँ. ये 10 बन गया और ये 8 बन गया. 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 7 जाएगा 1. ओके, अब ये क्या करना है? एक 0 और डालना है. एक बार हम पॉइंट डाल दिया तो हर स्टेप में एक एक 0 डाल सकते हैं, तो 160 आने के लिए हमारे पास इधर तक है, 148 तक है, ये 160 से बड़ा है. 1, 2, 3, 4, 4 जा 148. ओके, अभी सब्ट्रैक करना है हमें. अभी यहाँ पर हमें सब्ट्रैक करने पे हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 मिलेगा, 12 मिला. अभी क्या करेंगे? एक और 0 डाल दिया, 120 हुआ. 120 यहाँ पर मैक्सिमम इधर तक जाएगा, बराबर इधर तक जाएंगे. 1 जा 2 जा 3 जा, तो हमें 111 मिला. 3 जार, ओके, 3 जा 111. इसको फिर माइनस करते, सिर्फ फिर माइनस करने पे वापस हमें मिलता है 9 आ गया. फिर हम क्या करेंगे? 0 डालेंगे. लेकिन देखो यहाँ पर हमने 9 से ही पहले शुरू किया था, तो क्या होगा? आगे भी वही मिलने वाला, यानी 90 होगा. फिर हम 2 जार लिखेंगे, 2 जार लिखे क्या मिलेगा? 74.
फिर हमें फिर से क्या मिलने वाला है 16, बराबर। फिर हम जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है 148। तो इसका मतलब 2, 4, 3 जो था वो वापस से रिपीट होएगा, फिर से आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, इस तरह जाएगा। यानी ये आंसर पूरा फाइनल आंसर हम अभी लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर फिलहाल लिख रही हूँ। आंसर हो गया हमारा फाइनल 9/37 इज इक्वल टू 0.243 और उसका रिकरिंग, यानी ये 243 243 243 रिपीट होते जाएगा। ओके, सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/37। चलो हम नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करते हैं, 18/42 18/42। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 18 डिवाइडेड बाय 42 लिखना पड़ेगा और 42 का टेबल बनाना है। 40 का टेबल और 2 का टेबल को ऐड करेंगे 42 आएगा। 4 1 4 4 2 8, इस तरह 40 का टेबल लिखने के लिए 4 का टेबल लिखो और 0 डालो, और उसके बाद 2 का टेबल तो सिंबल है, इन दोनों को ऐड करना बहुत आसान होता है, मेंटली कैलकुलेशन से ऐडिंग हो जाएगा। अब ऐसा 9000 तक करना है, तो ये हमारा 42 का टेबल हुआ। 42 का टेबल होने के बाद हमारा पहला 18 इससे बहुत छोटा है तो एक बार भी नहीं आएगा, 0 माइनस करो, माइनस करने पे 18 वैसे के वैसा नीचे आएगा, बराबर। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, इधर 0 डाले, पॉइंट डाल के 0 डालने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, कितने टाइम्स ये 180 आता है, 180 आने के लिए देखना है, 180 देखो यहाँ तक मिलेगा, ये 180 से छोटा है, ये 180 से बड़ा हो जाता है, तो ये कितना हुआ 4000, ठीक है। तो 4000 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 168, बराबर। तो मैंने यहाँ पर 168 लिखा, माइनस करने पे कितना मिल रहा है मुझे, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 12 मिला। 12 मिलने के बाद फिर 0 एक डाल दिया, फिर एक 0 डालने के बाद 120 हुआ हमारा। ये 120 में हमारा किधर तक आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ 2000 आएगा, तो हमने ये वाला, बराबर। तो 2000 क्योंकि ये जाने पे 120 से ज़्यादा हो जाता है, 126 अगर लेंगे तो 120 से ज़्यादा है, तो 84 कितने टाइम्स 2000 84। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6 और ये मिलेगा 3। ओके, तो आपके पास अभी हुआ 36। फिर से 0 डाल दिया, फिर से 0 डालने के बाद आप फिर यहाँ पर ढूंढो 360 है तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है तो इधर तक जाएगा। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 जा, तो 8 लिखा है यहाँ पर, 8 जा कितना हुआ 336। अभी फिर सब्ट्रैक करो, ओके, फिर से सब्ट्रैक करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे हुआ 4 और यहाँ पे 2, 24 मिला। फिर आप 0 डालोगे, ओके, अभी आपके हाथ में 240 है, 240 इधर तो ज़्यादा इधर कम है, तो क्या लेंगे 210 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, इधर से काउंट करो तो पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर 5 लिखा और 5 टाइम्स कितना होता है 210। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 3 और फिर से 0 डाला 300 के लिए हमारे पास मैक्सिमम इतना है 1 2 3 4 5 6 7 जा, तो हमने लिखा यहाँ पे 7। अभी तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ, ध्यान देना, 18 था, 12 है, उसके बाद 36 आया, 24 आया, 30 आया, अभी तक सेम रिपीट कोई नहीं हुआ। 7 जार हमारे पास आया कितना 294 यहाँ पर लिखो और माइनस करो, 294 डालकर माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, ये 6 आएगा। ओके, अभी 6 आया तो अभी क्या करेंगे हम, और एक 0 डालें, किधर भी हमारा पूरा स्टेप में किधर भी रिमाइंडर में 6 आया ही नहीं था, तो अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। 60 में कितना बार 42 आएगा, 42 का टेबल में सिर्फ एक ही बार, तो हम लिखेंगे 1 कितना है 42, 1 42। सब्ट्रैक करेंगे, सब्ट्रैक करेंगे तो हमें वापस मिलता है इधर 8 और इधर 1, 18 मिल रहा है। और मेरे बच्चों देखो, ये हमने 18 से शुरू किया था, तो 18 से शुरू करने पे हमें 4 से शुरू मिला, जो सेम अभी रिपीट होने वाला है, यानी 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 फिर से होने वाला है, क्योंकि 18 को आप 18 का लिया तो 180 हमने बनाया था, देखो इधर नेक्स्ट 180 बन जाएगा, ये 180 हो गया और
आगे देखो, इधर बना के दिखा रही हूँ, 180 हो गया, और ऊपर भी क्या ही था, 180 था, 180 आया तो हमारा आंसर में क्या आया था, 4 आए थे, तो ये 180 के बाद का पूरा स्टेप फिर से रिपीट होने वाला है, तो हम फिर से क्यों करें, तो ये हुआ 0.recurring 4285 7 1। तो इस आंसर को ये दूसरा सम करने के लिए मैंने बना के रखी थी यहाँ पे, पॉसिबल नहीं तो उसको कट कर देते हैं। इस आंसर को हम फाइनलाइज कैसा लिखेंगे, आंसर 18/42 = हमारा आंसर है 0.428571। ओके, तो इस और इसका रिकरिंग डाला नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 0.428571। ओके, और इसमें रिकरिंग वर्ड बोलना है 18/42 = 0.recurring 428571। अगर रिकरिंग नहीं बोला तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और भी है, 4 सम हमारा बाकी है, सो आई एम गिविंग यू दो सम्स हियर, दिस इज योर एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट, 9/14, दिस इज योर वर्क, ओके, यू शुड डू द सम एंड शो मी, -103/5, और फिफ्थ वाला नहीं, 3 नहीं सम बचा हुआ है, माइनस मिडिल में है 11/13, यहाँ पे 14 का टेबल बनाना होगा, यहाँ पर 5 का टेबल और यहाँ पर 13 का टेबल बनाना आसान है, 10 और 4 का टेबल ऐड करोगे तो 14 मिलेगा, 5 का टेबल को आपको किधर और जाने के लिए जरूरत नहीं है, आपको बैहट है, 13 के लिए 10 और 3 का टेबल ऐड करेंगे तो भी मिल जाएगा, और कोई ना कोई तो ये बैहट भी किए होंगे 13 का टेबल, ओके, और माइनस साइन वाले के लिए मैंने बताया था पहले पॉजिटिव साइन के हिसाब से आंसर पूरा करेंगे और फाइनल में क्वेश्चन में माइनस डालकर आंसर में भी माइनस डालेंगे, पूरा ऑल थ्रू द सम आपको नेगेटिव सम को नेगेटिव साइन को साथ में लेकर नहीं जाना है, ओके, तो ये था 1.3 प्रैक्टिस सेट, सो होप यू अंडरस्टूड द मेथड ऑफ डूइंग द सम्स, सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।